हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के डेस्कटॉप का जो पीछे का बैकग्राउंड होता है, ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं, थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें पर्सनलाइज कैसे सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपका पीछे का पूरा बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है, ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। इसको आप चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको कहीं भी जो खाली जगह रहती है वहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज में आने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि पर्सनलाइज से संबंधित सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। आपका विंडोज़ कोई भी हो सकता है, जैसे आपका विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडोज़ 8 हो सकता है, विंडोज़ 10 हो सकता है। मैं अभी फ़िलहाल विंडोज़ 11 पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ विंडोज़ 11 के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड, कलर, थीम, लॉक स्क्रीन, टच कीबोर्ड, जो यहाँ पे स्टार्ट, टास्क बार, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो मैं यहाँ से मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करना बता दे रहा हूँ। पहले आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने बैकग्राउंड का ये पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कोई फ़ोटो या कुछ भी आप लगाना चाहें, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके भी आप बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड दिए गए हैं, मैं यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को चूज कर लिया है। अब ये क्या है, ये आपके बैकग्राउंड इसमें आ चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे ये बैकग्राउंड आ चुका है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इनका बैकग्राउंड क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। आप वो उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपके फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इस बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फिर दोबारा से सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे, ये तो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, अब यहाँ पे दिया है सेलेक्ट अ थीम टू अप्लाई, यानी कि अगर आप इसमें से कोई थीम अगर लगाना चाहते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज 11 की थीम होती है वो ये वाली होती है। मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये आपकी विंडोज 11 की थीम है। ये जब आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, विंडोज 11 को इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम आती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, दोबारा से सेटिंग में चला जाता हूँ। यहाँ पे जिस थीम पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वाली थीम पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये थीम हमारी क्या हुई, बैकग्राउंड में अप्लाई हो गई। मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो आपकी थीम किस टाइप की दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए, एक डार्क थीम हमारी अप्लाई हो चुकी है, यानी कि ब्लैक थीम। जो भी हम यहाँ से दिस पीसी या कोई भी आइकन वगैरह खोलते हैं, तो हमारा ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, यानी कि जो स्क्रीन है वो हमारी ब्लैक कर देता है। उसके बाद दोबारा से फिर चले आते हैं, मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। जैसे मुझे ये वाली चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस वाली थीम को अप्लाई कर देता हूँ, जो बाई डिफ़ॉल्ट हमारी पहले से लगी हुई थी। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करके यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे थीम हमारी अप्लाई हो चुकी है। थीम अप्लाई होने के बाद अगर उसमें और भी फोटोज होंगी, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ है, यानी कि इस पर आप क्लिक करके इनके बैकग्राउंड को आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा आप अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कलर। कलर में क्या रहता है कि जो भी आपको कलर लगाना है, वो आपका कलर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस कलर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि जो भी आप लिखेंगे वो क्या है, आपका यहाँ पे डेटा जो थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा है वो उसी कलर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। तो मैं यहाँ से कलर को बाय डिफ़ॉल्ट वही जो हमारा था पहले से, उसी को रख देता हूँ। इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है थीम। अब थीम में क्या करना है, आप थीम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने थीम का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। थीम पे आप क्लिक करके यहाँ से थीम को चेंज कर सकते हैं। तो थीम तो मैंने पहले ही चेंज कर रखी है, अगर आप चाहें तो थीम पर क्लिक करके भी थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे चाहें वैसे आप ये मोड वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले ही ये आपको ऊपर ही बता दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको डेस्कटॉप आइकॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करके भी अपने
डेस्कटॉप के आइकन वहाँ पर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का लाना है तो यहाँ पे टिक लगा देना, रिसाइकल बिन का लगाना है तो यहाँ पे टिक लगा देना, कंट्रोल पैनल का हमें चाहिए तो मैंने कंट्रोल पैनल पे टिक करके अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। और जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो मैं यहाँ पे देखिए हमारा डेस्कटॉप पे जो है कंट्रोल पैनल का आइकन आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए कोई पर्सनलाइज में अपनी फ़ोटो या कुछ भी लगाना है तो हम यहाँ पर्सनलाइज में ना जाकर डायरेक्ट फ़ोटो कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, आप अपनी फाइल या फोल्डर में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये हमारा डेस्कटॉप पे ही न्यू फोल्डर 2 में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ डिजिटल बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ से कोई भी जैसे ये फ्लावर वाला ले लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये फ्लावर लगाना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे क्या है, एक राइट क्लिक करने से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे क्या करना है आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करके और डायरेक्ट इसको क्लोज कर देना है। ये आपका देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपका ऑलरेडी लग चुका है जो आपने अभी लगाया हुआ था। अगर आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, आप सिंपली फिर से दोबारा से अपने फोल्डर में जाकर कोई दूसरी लगाना चाहें तो वहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे जिस बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट करेंगे वही बैकग्राउंड आपका क्या है वो अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ और ये देखिए बैकग्राउंड हमारा चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने जाना कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ था उसको कैसे चेंज करते हैं, थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं और डेस्कटॉप के आइकन को कैसे लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अपनी फ़ोटो अगर लगानी है इसमें तो हम उस अपनी फ़ोटो को डायरेक्ट यहाँ से कैसे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।